नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन नेचुरल होम रेमेडी घरेलू उपाय लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे के कालेपन दाग धब्बों को मिटाकर अपने चेहरे को बेहद साफ, फेयर और गोरा बना पाएंगे। दोस्तों यह रेमेडी इतनी कारगर है कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी 3 से 4 दिनों में इसका असर दिखने लगेगा। दोस्तों बात गोरे या काले की नहीं है, ज़रूरी यह है कि जो आपके चेहरे के ऊपर कालापन आ चुका है सन टैन की वजह से, धूप की वजह से, प्रदूषण की वजह से, उसे हटाया जाए, आपके चेहरे की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसे निखारा जाए। समझ गए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से एक बार ज़रूर देखिएगा, यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और जो लोग को दाग धब्बे हैं या पिंपल्स के दाग हैं उसमें भी यह फ़ायदा पहुंचाता है। यह हर एक तरह के दाग को मिटाकर सौंदर्य को बढ़ाने में यह नुस्खा खास तौर पर बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ठीक है दोस्तों, तो इस नुस्खे को मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों इस नुस्खे में एकदम आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लगभग 1 चम्मच के आसपास सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको दोस्तों बड़े ही आसानी से मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे इस्तेमाल किया है। इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों, ये है अंडा, तो इसे इस तरीके से पहले हम यहाँ पर जो है वो तोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे तोड़ लिया। ठीक है, अंडे को हमने यहाँ पर तोड़ लिया। लड़के और लड़कियाँ हर एक कोई इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकता है चेहरे को बेहद गोरा करने के लिए, ब्राइट करने के लिए। यह रेमेडी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जिनको किसी भी नुस्खे से फ़ायदा नहीं मिला वो इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद दोस्तों इस एलोवेरा में हम जो अगली चीज़ मिलाएंगे वो लगभग 1/2 चम्मच के आसपास मिलाएंगे दोस्तों, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल। ठीक है दोस्तों, जैतून का तेल आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और कारगर होता है। इसके बाद दोस्तों आप जो देख रहे हैं, हमें यहाँ पर इसमें मिलाना है लगभग 4 से 5 बूंद। हमने यहाँ पर नींबू के रस को मिला लिया। नींबू के रस में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं दाग धब्बों को मिटाने के लिए। दोस्तों अगर आप अपने चेहरे पर बिल्कुल ज़बरदस्त गोरापन लाना चाहते हैं, सौंदर्य लाना चाहते हैं, तो इस नुस्खे को आजमा कर देखिएगा, आप लोगों को खुद ही इसका असर दिखने लगेगा। और इस वीडियो को दोस्तों एक बार अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर मिलाएंगे इस नुस्खे में लगभग इतनी मात्रा। ठीक है दोस्तों, लगभग 1 चम्मच के आसपास हम इसमें मिलाएंगे, ये है दोस्तों मैदा। ठीक है, मैदा आपको घर पर ही बड़े ही आसानी से आपको मैदा मिल जाएगा, तो आप इतना मैदा लें। मैदे के अंदर पाए जाने वाले तत्व तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और फ़ायदेमंद होते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए। तो मैदा हमने लिया है और इस मैदे को हमने यहाँ पर इस तरीके से मिक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि एक चीज़ आपको और मिलानी है, वो मिलानी है लगभग 1 चुटकी। 1 चुटकी के आसपास दोस्तों आपको इसमें टर्मरिक, हल्दी मिक्स करनी है। हल्दी ज़रूर मिक्स कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको मिक्स करना ही है। ठीक है, हल्दी आपको थोड़ा सा 1 चुटकी मिक्स करना ही करना है इस नुस्खे में, ताकि यह आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। दाग धब्बों पर भी यह काम करे, कालेपन को तो यह मिटाएगा ही। तो यहाँ पर हमने इनको आपस में मिक्स कर दिया। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर ये जो हमने अंडा लिया था, तो इसका क्या करना है कि इसका ये पीला वाला भाग छोड़ देना है और ये सफ़ेद वाला भाग हमें इसमें ले लेना है। ठीक है, हमने पीला वाला भाग छोड़ दिया और ये सफ़ेद वाला भाग इसमें ले लिया। अब इन सब को आपस में दोस्तों इस तरीके से मिक्स कर दें, इस तरीके से मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद दोस्तों इस तरीके से यह रेमेडी हमारी बन जाएगी। फिर आप इसे ले करके पूरे अपने चेहरे पर, एक लेप की तरह आप इसे ले करके एक फेस पैक की तरह, इस फेस मास्क की तरह अपने चेहरे पर लगा लें। ठीक है, इसे अपने चेहरे पर लगा लें और अपने चेहरे पर लगा कर इसे आधे घंटे रखें, आधे घंटे के बाद धो लें। हर दिन इसका प्रयोग करें, अगर वक्त कम है तो हफ्ते में 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। आप पाएंगे दोस्तों ये रेमेडी आपके चेहरे को बेहद फेयर, साफ, सौंदर्यवान और गोरा बना देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।